वेलकम व्यूअर्स, और एक बड़ा अपडेट आ रहा है फ्यूचर रिटेल के ऊपर। बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, सो फटाफट उसको देखेंगे, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और बस कोशिश है मेरी कि टाइमली आपको साथ अपडेट शेयर करने की। अगर ये कोशिश पसंद आए दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और डिस्क्लेमर से शुरुआत करूँगा दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है, इसमें बाय सेल होल्ड के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कहानी में दोस्तों आ गया है ट्विस्ट, और ट्विस्ट दोस्तों थोड़ा मुझे पॉजिटिव लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि फ्यूचर रिटेल ने नया केस फाइल कर दिया है अमेजन के अगेंस्ट में, जो 3.4 बिलियन की डॉलर की डील है उससे संबंधित। तो दोस्तों ये आ गया ट्विस्ट, पहले अमेजन केस कर रहा था, अब फ्यूचर रिटेल केस कर रहा है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट से जो आया था आउटपुट, उसके अकॉर्डिंग स्टॉक लगातार गिर गए थे फ्यूचर रिटेल के, क्योंकि सेक वाला ऑर्डर जो है उसका वेट किया जा रहा है। बट इन्होंने यहाँ पर कह सकते हो गेम चेंज वाली प्लानिंग कर दी है एक नया केस करके। और जो इसके अंदर दिया हुआ है दोस्तों कि 6000 पेज की फाइलिंग है, और बहुत सारे एम्प्लॉय 35-36 हज़ार एम्प्लॉय की जो जॉब है वो रिस्क में आ रही है, पूरा बिजनेस जो है मॉड्यूल वो डैमेज हो रहा है ये डील डीले के कारण। और जो उनके मिस्टर युगांद्रा पावर झा जी हैं, उन्होंने बोला भैया इसको सुनना चाहिए अर्जेंसी पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे जितना डीले हो रहा है उसकी वजह से। दोस्तों अभी मैं बता दूं, सिर्फ और सिर्फ ये एक पॉजिटिव न्यूज़ कंसीडर करिए इसको आप फ्यूचर रिटेल के लिए, क्योंकि फ्यूचर रिटेल भी फाइट कर रहा है अब। और जैसे कि अभी क्या आता है इसके ऊपर आउटकम फाइनल किसी के पास नहीं है, बट यह है कि हमें नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में एक अपर सर्किट का दौर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब एक तरफा जंग नहीं हो रही दोस्तों, दोनों तरफ से हो रही है। सो डिसीजन तो बाद में ही आएगा, फिर देखते हैं। बट ये इंपॉर्टेंट अपडेट था, सो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। कोशिश थी, तो कोशिश पसंद आए दोस्तों, वीडियो को लाइक करने में हिचकिचाना मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।